एनआरसी को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी को जाना होगा। केजरीवाल के इस बयान पर मनोज तिवारी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल मनोज तिवारी ने कई मौकों पर ये मांग की है कि असम की तरह दिल्ली में भी एनआरसी को लागू किया जाना चाहिए। कल मनोज तिवारी के इस बयान पर एक सवाल के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुई तो सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। केजरीवाल ने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दरअसल केजरीवाल ने बड़ी होशियारी से मनोज तिवारी को बाहरी बताने की कोशिश की थी। मनोज तिवारी बिहार के रहने वाले हैं लेकिन राजनीति दिल्ली में करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, मैं केजरीवाल के बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा क्योंकि उन्होंने देश के नागरिकों को घुसपैठिया बता दिया है। उन्होंने कहा, मुझे कहते हुए दुख होता है कि केजरीवाल सरकार मूर्खों की फौज जैसी बातें कर रही है जो एनआरसी के मतलब को ही नहीं समझते। तिवारी ने आगे कहा, एनआरसी में देश के लोगों को लेकर कोई बात नहीं है लेकिन जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात है। तो क्या केजरीवाल देश के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं? उन्होंने कहा, केजरीवाल खुद भी दिल्ली के नहीं हैं और उनको समझना चाहिए संविधान में सभी कोई अधिकार है कि वो देश में कहीं भी जाकर रह सकता है। तो केजरीवाल का ये बयान संविधान के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल को दिल्ली में रह रहे अवैध घुसपैठियों का रहनुमा बना दिया है। अपने ट्वीट में कपिल ने लिखा कि ये कोई दिल्ली सिटीजन रजिस्टर नहीं है कि भारत के नागरिकों को बाहर जाना पड़े। दिल्ली में बैठे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसी अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हैं। केजरीवाल जो देशद्रोहियों के साथ हैं वो एनआरसी के खिलाफ हैं।